राजस्थान महिला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राखी गौतम का जन्मदिन पर शहर जिलाध्यक्ष और कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड संख्या 65 की पार्षद शालिनी गौतम की अगुवाई में इंदिरा विहार सोसाइटी में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में आमजन कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने रक्तदान किया। जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम ने साफा पहनाकर राखी गौतम का स्वागत किया और तलवार भेंट की। केक और मिठाई से राखी गौतम का मुंह मीठा करवाया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। शिविर में रक्तदान करने पहुंचे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने पुष्पहार से राखी का स्वागत किया। देखिए, हर वर्ष की भांति इस बार भी लोगों का अथाह प्रेम है, जो आप सब देख ही रहे होंगे। निश्चित रूप से बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतना बड़ा परिवार मेरे साथ खड़ा है। वास्तव में यदि दिल से सोचते हो तो आंखें नम हो जाती है, पर ये ही शायद मेरी ताकत है और इन्हीं लोगों की वजह से आज इस मुकाम पे हूँ और दमदारी से विपक्ष की भूमिका में हम सब खड़े हैं। और एक ही बात, एक ही मैसेज देना चाहूँगी अपने जन्मदिन के अवसर पर कि लोगों का जो प्यार, सम्मान, स्नेह, जो मुझ पर आशीर्वाद जो मिला, ये जीवन की अंतिम सांस तक और उसके बाद तक भी मिलता रहे, ऐसी मेरी इन सबसे प्रार्थना है। आज हमारे महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम जी का जन्मदिन है, उस अवसर पर हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और यहाँ पे युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आप देख सकते हो, और यहाँ बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आज के दिन में लोगों से कहना चाहूँगी कि वो भी उनके जन्मदिन के अवसर पर ऐसे ही रक्त शिविरों का आयोजन करें और लोगों को प्रोत्साहन दें कि रक्तदान महादान है, इससे हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, उनमें से हमारा परिवार का भी हो सकता है। और ऐसे ही मैं राखी गौतम जी को जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।